اياك نعبد واياك نستعين اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں میرے عظیم باشعور کشمیریوں نوجوانوں میری بہنوں بچوں بزرگوں سب سے پہلے تو اس شاندار استقبال کا آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اس کے بعد میں پہلے جو یہ مخالف کیمپین کر رہے ہیں میں دو چیزوں کی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں پہلے باقی باتوں سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم لیکن جو میں آپ کو اب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1948 میں دو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھی اس کے مطابق جو انٹرنیشنل کمیونٹی عالمی دنیا انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے میں آج آپ کے سب کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا مجھے پورا اللہ پہ ایمان ہے کہ جتنی کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی اللہ نے آپ کو وہ حق دینا ہے ریفرنڈم ہوگا انشاءاللہ اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد یہ میں آج آپ کو اصل بات کہنا آیا ہوں کہ اس کے بعد میری حکومت پھر ایک ریفرنڈم کروائے گی اور اس ریفرنڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو میرے کشمیریوں یہ جدوجہد یہ جو کشمیر کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد 100 سال سے بھی پہلے شروع کی تھی ڈوگرا حکومت کے خلاف کشمیر کے لوگ بار بار کھڑے ہوئے اپنی آزادی کے لیے یہ بڑی پرانی جدوجہد ہے تو جس قوم نے اتنی قربانیاں دی ہوں اپنی آزادی کے لیے اس قوم کو ہمیشہ حق ملنا چاہیے کہ جو وہ چاہے
जो वो चाहे, जो वो कौम चाहे, ये फैसला वो कौम करेगी, ये कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये आपको मौका मिलेगा और आप खुद फैसला करेंगे। अब दूसरी चीज, अभी से ही बातचीत शुरू हो गई है कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। नौजवानों, आप तो शायद छोटे हो, जो बुजुर्गों को पता होगा, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारे जब मैच खेले जाते थे तो अपने अंपायर होते थे, हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था। तो जब भी किसी ताकतवर टीम के खिलाफ जब खेलने जा रहे होते थे तो जिन टीमों को डर होता था कि मैच जीतेंगे नहीं, वो पहले से शुरू हो जाते थे कि अंपायर हमें मैच हरा देंगे। ये मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम नून लीग, जिन्होंने आज तक कोई चीज ईमानदारी से की नहीं, वो अभी से शुरू हो गए हैं कि जी धांधली होगी। गवर्नमेंट आपकी, नून लीग की हुकूमत, अमला आपका, इलेक्शन कमीशन आपकी, आपकी पसंद की, तो धांधली हम करेंगे? मैं एक आप सबको वाकया बताऊं कि मैं अपनी क्रिकेट शुरू की स्कूल में और फिर जिमखाना क्लब। जिमखाना क्लब लाहौर का एक बड़ा पुराना क्लब है, तो उधर जिधर हम क्रिकेट खेलते थे, एकदम हमें नजर आया एक बड़ा शौकीन आदमी, मोटा साहब, मैच खेलने आ गया और वो जिमखाना क्लब में आ गया। उसका नाम था नवाज शरीफ। अब ये मैं आज आपको इस जलसे में सच बात बता रहा हूं। और ये जो उन दिनों में जिमखाना में मैच खेलते थे वो सारे आपको मेरी ताईद करेंगे। अब जनाब नवाज शरीफ मैच खेलने आ गया, पहले तो बेचारे जिस तरह की पॉलिटिक्स की है उसी तरह की क्रिकेट थी, लेकिन ये बन गया फाइनेंस मिनिस्टर। जब फाइनेंस मिनिस्टर बना तो तब जब मैच खेलने आता था तो अपने अंपायर लेके आता था ग्राउंड में। एक अंपायर डिप्टी कमिश्नर, दूसरा अंपायर कमिश्नर। जब आउट होता था वो नो बॉल कर देते थे। तो तब से नवाज शरीफ को और नून लीग को बड़ी बुरी आदत पड़ गई है। इनके लिए अच्छी अंपायरिंग तब है जब इनके अपने अंपायर खड़े हों। और आपको यह भी पता होगा कि क्रिकेट की 200 साल तारीख में, 200 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, कौन इस 200 साल तारीख में न्यूट्रल अंपायर क्रिकेट की दुनिया में लेके आया? पाकिस्तान वो मुल्क था। और उसका तब कप्तान आज आपके सामने खड़ा है। हम वो मुल्क थे जिसने दुनिया में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर लेके आए, और किसके खिलाफ? उस वक्त की नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर टीम थी वेस्ट इंडीज। उनको हराना तो बड़ी बात थी, इज्जत से हारना बड़ी बात थी, उनके खिलाफ वो इतनी तगड़ी टीम थी। उसके खिलाफ 1986 में पहली दफा पाकिस्तान में हमने न्यूट्रल अंपायर टेस्ट क्रिकेट में लेके आए, और आज दुनिया में, सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है। तो हम
एक साल से लगे हुए हैं कहने हैं सारी ऑपोजिशन की जमातों को कि आओ हमारे साथ बैठ के इलेक्शन सिस्टम की इस्लाहत करो ताकि इलेक्शन हमारे मुल्क में ऐसे हो कि जो हारे तो वो मान जाए हार। एक साल से इनको दावत दे रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज को, कोई नहीं आता। हमने तजवीज दी उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, ये नया ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इससे क्या होता है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ एक बटन दबाया और रिजल्ट आ गया, ना कोई आपको तकलीफ करनी पड़ती है कि डब्बे भरे जाएंगे, ना कोई डब्बे चोरी हो जाएंगे, ना कोई डबल स्टैम्प करेगा। ये टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल है कि एकदम रिजल्ट आ जाता है। तो हम एक साल से लगे हुए हैं, सुनते नहीं बात, और जब इलेक्शन आने लगा तो आप कहते हैं कि जी धांधली होगी। देखें मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, इस कौम ने एक अजीम कौम बनना इंशाल्लाह, ये अपने ये मुतमईन हो जाए कि इस कौम में जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं। अब मैं ये आपका सारा इलाका आधा घंटा गाड़ी में आ रहा था, इस इलाके में अगर हम सिर्फ थोड़ी मेहनत कर लें तो जिस तरह का टूरिज्म से यहां पैसा आ सकता है, जो रोजगार मिल सकता है, खूबसूरत इलाका है। मैं हम जब 2013 में पहली दफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई पख्तूनख्वा में, पख्तूनख्वा तबाह हो चुका था, जो वॉर ऑन टेरर थी, किसी और की जंग, अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, तबाही मच गई पाकिस्तान में। और सबसे ज्यादा जिस सूबे के अंदर तबाही आई वो पख्तूनख्वा था। हम जब आए 500 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, बम धमाके थे, रोजगार खत्म हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो 2013 और 2018 के बीच में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने अभी चंद महीने पहले अपनी रिपोर्ट शाया की है, जिस सूबे में सारे पाकिस्तान में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो 2013 और 18 में पख्तूनख्वा सूबा था, जिधर सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी। वो सूबा जिधर सबसे ज्यादा तबाही मची थी। और उन्होंने तीन चीजें कही, एक कि गुर्बत सबसे उस सूबे में कम हुई तेजी से, दूसरा अमीर गरीब में फर्क कम हुआ, यानी कि नीचे से लोग ऊपर आ गए, और तीसरी चीज के ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों के ऊपर जिस सूबे ने सबसे ज्यादा खर्च किया, ह्यूमन डेवलपमेंट जो सबसे ऊपर गई वो पख्तूनख्वा की थी। इसलिए पख्तूनख्वा के लोगों ने 2013 में तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, 2018 में दो तिहाई अक्सरियत से उन्होंने तहरीक इंसाफ को जताया। वो सूबा जो एक बार के बाद दूसरी दफा वोट नहीं देता किसी पार्टी को, उसने दो तिहाई अक्सरियत से जताया। तो आजाद कश्मीर के लोगों, मेरी सबसे पहले कोशिश होगी कि मैं आजाद कश्मीर में गुर्बत कम करूं, लोगों को गुर्बत से निकालें। और हमने जो प्रोग्राम किया एहसास का प्रोग्राम, अभी फहीम ने आपको बताया भी कि एहसास का प्रोग्राम ये इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है गुर्बत कम करने का। इंशाल्लाह दो प्रोग्राम हमारे चलेंगे,
एक एहसास का प्रोग्राम जिसके अंदर इंशाल्लाह दिसंबर तक जो 40% निचला तबका इस मुल्क का, पाकिस्तान का और आजाद कश्मीर का, इनको हम सब्सिडाइज करेंगे खाने पीने की चीजों में, दाल, आटा, घी, चीनी, जो आम आदमी के खाने पीने की चीजें हैं, इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, डेटा बन गया है, डेटाबेस बना लिया हमने, दिसंबर तक सॉफ्टवेयर बन जाएगा कि एक आम आदमी किसी भी अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएगा किसी भी छोटी दुकान में, वो बता देंगे सबके, हर पाकिस्तान में दुकानें हैं, परचून की दुकानें, उधर अपना कार्ड देंगे, तब तक सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, वो आपको खाने पीने की चीजें सस्ती मिलेंगी वहां जाके। दूसरा कामयाब पाकिस्तान, ये एक और प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, इसमें 40% जो निचले खानदान है, गरीब खानदान, हर खानदान के एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी, उस खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा। हेल्थ कार्ड का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, यानी सारे खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सको। तीसरी चीज, उस खानदान में एक फर्द को सूद के बगैर कर्जा दिया जाएगा कि अपनी दुकान खोले, अपनी टूरिज्म डेवलप करे, कुछ भी, एक फर्द को कर्जा दिया जाएगा, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन ताकि वो हुनर सीख सके, वो कमाई कर सके। तो ये 500 अरब रुपया हमने इस प्रोग्राम के लिए, कामयाब पाकिस्तान के लिए दिया है, वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा महीने तक। और आखिर में मेरे कश्मीर के लोगों, ये याद रख लें कि पिछले 10 साल वो दोनों हुकूमतों के देख लें और ये हमारा दौर देख लें, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, क्या 10 सालों में सारी दुनिया में कश्मीर का किसी ने नाम लिया? क्या यूनाइटेड नेशंस में जाके किसी ने तकरीर की? क्या किसी ने बाहर इंटरव्यू दिया? वो तो बड़ी दूर की बात है। वहां जनाब नरेंद्र मोदी को शादियों पे बुराया जा रहा है, वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है, वो कश्मीर के लोगों के ऊपर 9 बच्चों को पैलेट गन से अंधा कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, और यहां जनाब शादियों पे बुलाया जा रहा है। और सुने, डीजे पटने से तुम कमजोर हो गए हो काफी। अच्छा सुने, मिंते करके शादी पे बुलाया है कि मोदी साहब मेरे घर आ जाओ, बड़ी रौनक होगी आपके आने से, वो पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। हर जगह दुनिया में जिधर वो जाता था कहता था पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और ये मिनते कर रहा है कि हमारी जी शादी पे आ जाओ। उधर कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, लेकिन जी यहां वो बरका दत्त, बहुत बड़ी सहाफी है हिंदुस्तान की, वो अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस थी तो जनाब नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग की नरेंद्र मोदी से। लेकिन आगे सुने, आजकल तो बड़ी फौज की तारीफें हो रही हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन उस मीटिंग में वो क्या कहती है? उस मीटिंग में कहती है वो बरकत दत्त कि नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग इसलिए की
कि अपनी फौज से, पाकिस्तानी फौज से डरा हुआ था। फिर हिंदुस्तान जाता है, वह हुर्रियत कश्मीरी लीडर से नहीं मिलता कि मोदी साहब नाराज ना हो जाएं। तो इन लोगों ने, ये जरा पीछे जब आपसी तकरीरें करते हैं यहां, इनसे पूछे तो सही कि अपने 5 साल में आपने क्या किया, और उधर तो पूछे ही नाना वो जरदारी का, जरदारी को पैसे गिनने में वक्त मिलता तो वो कश्मीर की बात करता। इसलिए इंशाल्लाह आपकी आवाज आपके लिए, हाँ कश्मीर कमेटी पे सुना है एक कोई डीजल था कश्मीर कमेटी में, अच्छा छोड़े उनको, छोड़े उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर फोरम पे, अभी भी मैंने उठाया बाहर साफियों से, दुनिया के मुल्कों के सरबराहों से, हेड्स ऑफ स्टेट से, बर्तानिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, सबको मैंने टेलीफोन कर करके, मुलाकातें करके बताया कि कश्मीर पे कितना जुल्म हो रहा है। आगे भी करूंगा, यूनाइटेड नेशन में बात करूंगा, मीडिया पे करूंगा और करता हूं। सिर्फ दुनिया को यह बताने के लिए कि जो कुर्बानी हमारे कश्मीर के लोग दे रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान कौम उनके साथ होगी, इंशाल्लाह मुसलमान दुनिया उनको भी साथ करेंगे। और मैं आज खास तौर पे, एक तो अली गिलानी जो इस वक्त जेल में है मकबूजा कश्मीर में, उनको आज सलाम पेश करना चाहता हूं उनकी जद्दोजहद को। और दूसरा यासीन मलिक, आज से 16 साल पहले जब जलजला आया था, जब आजाद कश्मीर में जलजला आया था, तो मेरे साथ यासीन मलिक हम सारे इलाकों में गए। कश्मीर से वो पैसे लेके आया था और यासीन मलिक ने सारे लोगों के अंदर मुतासरीन में पैसे बांटे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आज हम इस जलसे से यासीन मलिक आपको पैगाम दे रहे हैं, हौसला ना हारना, अल्लाह कुरान में कहता है ईमान वाले लोगों के लिए जो सब्र करते हैं मुश्किल वक्त में, सबसे अल्लाह को जो इंसान में अच्छी, उसके किरदार में जो सबसे अच्छी सिफत लगती है, मुश्किल वक्त पे सब्र करना। यासीन मलिक थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि ईमान वाले लोगों के लिए अल्लाह का एक वादा है कुरान में, वो कहता है हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। इंशाल्लाह आसानी आने वाली है, इंशाल्लाह आसानियां आने वाली हैं। और फिर से सारी कौम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान और कश्मीर की कौम दुआएं कर रही है आपके लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। और हमारा यह ईमान है कि आपको वो हक मिलेगा जिसके लिए इतनी कुर्बानियां आपकी कौम ने दी, और हक ये कि आप खुद फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। जिंदाबाद कश्मीर।